हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स का, जिसमें फर्स्ट यूनिट अपनी चल रही है। आज अपन पढ़ेंगे परम ताप के प्रमुख गुण, परम ताप के गुण। क्या क्या गुण है? तो पहले अपन ने बीटा प्राचाल के रूप में टेम्परेचर को डिफाइन किया था, उसी आधार पर अपन देखेंगे। तो चूंकि बीटा प्राचाल होता है डायलोगॉन मेमोरी ऑफ लॉग ऑवी होता है, तो बीटा का मान पॉजिटिव है। बीटा प्राचाल हमेशा पॉजिटिव होता है और टी बराबर होता है वन अपॉन के बीटा। पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो बीटा पॉजिटिव के लिए टी बराबर वन अपॉन के बीटा भी क्या है? पॉजिटिव। पहला गुण है, यानी सभी सामान्य निकायों का परम ताप सदैव धनात्मक होता है। सभी सामान्य निकायों का परम ताप सदैव धनात्मक होता है। सभी निकायों का परम ताप टेम्परेचर जो होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा, परम ताप की स्थिति में जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होती है या ग्रहण की गई ऊष्मा, वो समानुपाती का ही होती है। बीटा प्राचाल अपन लिख रहे हैं डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑन टी, तो उसके आधार पर अपन टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे कि सभी सामान्य निकाय का परम ताप हृदय धनात्मक होता है। तो जो ऊष्मा लेंगे ताप का आदान प्रदान होता है टेम्परेचर डिफरेंस से होता है वस्तुओं का, तो आदान प्रदान होता है। उस कंडीशन में अपन मान निकालें कि वो किसके समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होगा? एक तो होती है माध्य ऊर्जा, एक मूल अवस्था में ऊर्जा। यदि निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था में जब कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ, मूल अवस्था में ऊर्जा कोई जीरो तथा निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या एफ है, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या अपन लिखते हैं ओम ई से, प्रोपोर्शनल होगा E माइनस जीरो की घात F। F क्या है? स्वतंत्र कोटियों की संख्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। E जीरो मूल अवस्था में ऊर्जा, E निकाय की ऊर्जा है। या समानुपातिक चिन्ह लगा के नियतांक लगाने हैं, कोई भी नियतांक ले लो, नियतांक इनटू E माइनस जीरो की घात F। इसका लॉग ले लें तो लॉग ऑफ E बराबर लॉग नियतांक प्लस, इसमें लॉग लेंगे तो एफ आगे आ जाएगा लॉग ऑफ ई माइनस ई जीरो। लॉग की प्रॉपर्टी से साथ आगे आ जाती है। अब चूंकि बीटा प्राचाल क्या होता है? डेल अपॉन डेल ई लॉग लॉग ओमी, लॉग ओमी का मान लेगा, इसका अवकलन करना है। बीटा बराबर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ नियतांक
उसका अवकलन करेंगे एफ कॉन्स्टेंट है, समतल बॉडी की संख्या नियम गति है, तो अवकलन से नियम तो बाहर आ गया एफ। लॉग का अवकलन क्या होगा, वन अपॉन ई माइनस ई जीरो, कुल मिला के बीटा बराबर हो गया एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो। और साम्यावस्था में अगर बात करें तो साम्यावस्था कब प्राप्त होती है, जब ई बराबर हो जाता है ई बार, माध्य ऊर्जा जब हो जाती है तो उस कंडीशन में बीटा बराबर लिख सकते हैं एफ अपॉन ई बार माइनस ई जीरो। समीकरण नंबर डाल सकते हैं इसको एक और ये, और चूंकि बीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन के टी, बीटा की जगह वन अपॉन के टी लिख दिया बराबर है अपॉन ई माइनस ई जीरो, या के टी बराबर लिख सकते हैं ई माइनस ई जीरो अपॉन एफ। तो इसका मतलब क्या निकला, के टी वो राशि है, ऊर्जा है के टी, किसी परम तार दीपक के टी इसके बराबर है, ऊर्जा के टी का मान इसके बराबर है प्रति स्वतंत्र कोटि मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष इकाई की ऊर्जा की अधिकता के लगभग बराबर होती है। हम सकते हैं है किसी ताप पी पर भौतिक राशि के टी इसके बराबर है मूल अवस्था ऊर्जा के सापेक्ष मूल अवस्था ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वातंत्र कोटि निकाय की ऊर्जा की अधिकता ई माइनस ई जीरो है ना, तो ई जीरो के सापेक्ष की का मान कितना ज्यादा प्रति स्वतंत्र कोटि ऊर्जा की अधिकता के लगभग बराबर होती है। तो ये दूसरा गुण हो गया परम तत्व, पहला गुण तो हो गया कि परम तत्व हमेशा धनात्मक होता है किसी भी इकाय के लिए, और दूसरा गुण ये हो गया किसी ताप पी पर भौतिक राशि की मूल ऊर्जा मूल अवस्था ऊर्जा के सापेक्ष स्वतंत्र कोटि इकाय की ऊर्जा की अधिकता के लगभग बराबर होती है। तीसरा जो गुण है, तो चूंकि अभी अपन ने बीटा बराबर लिखा है डेल अपॉन डेल ई लॉग लॉग ओमी, बीटा प्राचल क्या होता है डेल अपॉन डेल ऑफ लॉग ओमी, अभी इसको समीकरण में दो लिखा हमने, इससे बीटा बराबर है एफ अपॉन ई माइनस ई जे, और साम्य अवस्था में यहां लगाते हैं नॉर्मली मान लीजिए कल में करें ई के सापेक्ष डेल बीटा अपॉन डेल ई बराबर एफ तो कॉन्स्टेंट है, ई के हिसाब से जिसको आपको लगाया जैसे वन अपॉन एक्स का होता माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई माइनस ई जीरो का स्क्वायर है। इसको समीकरण नंबर लिखो चार तीन इसको लिख देते हैं, तो डेल बीटा अपॉन डेल ई बराबर हो गया है माइनस ऑफ वन अपॉन ई माइनस ई जीरो का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि बीटा बराबर अपन ने लिखा है वन अपॉन के टी, यानी टी बराबर हो गया वन अपॉन के बीटा, इसका भी ई के सापेक्ष अवकलन करें अपन तो डेल टी अपॉन डेल ई बराबर क्या है डेल अपॉन डेल ई ऑफ वन अपॉन के बीटा, वन अपॉन के तो कॉन्स्टेंट है, वन
ये तो कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा और बीटा का क्या हो गया
स्वातंत्र कोटियों की संख्या और ई इकाई की ऊर्जा है E0 क्या है मूल अवस्था ऊर्जा। तो लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण होने से बीटा पाचाल में क्या चेंज आएगा वो अपन याद करना चाहते हैं। तो डेल्टा बीटा यानी बीटा में परिवर्तन। तो बीटा में परिवर्तन कैसे लिखेंगे F अपॉन माइनस E0 इंटू डेल बीटा अपॉन डेल ई। डेल बीटा का मतलब इसका मान चेंज परिवर्तन करना है। एफ कॉन्स्टेंट है ई माइनस ई जीरो डेल बीटा अपॉन डेल ई के साथ ई में किस तरह का परिवर्तन आएगा ये अपने को देखना है। तो ये कैसे देखेंगे अपन उसके लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करके अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण तो अपन बीटा का मान लेके अपन इसको मान निकाल सकते हैं। तो बीटा बराबर टेम्परेचर के रूप में क्या रिलेशन है टेम्परेचर के लिख लो उसको बाद में लिखेंगे। क्योंकि बीटा बराबर होता है इसका समीकरण ये लिख लो 1/KT। तो डेल्टा बीटा बराबर क्या लिखेंगे बीटा प्राचाल में परिवर्तन देखना है तो परिवर्तन कैसे देखेंगे अपन परिवर्तन जो अपने को देखना है तो डेल बीटा अपॉन डेल ई डेल बीटा बराबर आंशिक रूप के अवकलन रूप में डेल बीटा अपॉन डेल ई इंटू इंटू क्या लिखेंगे आंशिक अवकलन करेंगे डेल ई और डेल ई का मतलब डेल क्यू। क्योंकि ऊर्जा में जो परिवर्तन आया वो डेल क्यू के बराबर है। ऊर्जा ग्रहण करने से ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा उसमें ग्रहण करने से डेल क्यू बराबर डेल ई आएगा। तो डेल बीटा अपॉन डेल ई बराबर हो गया ये। अब डेल्टा क्यू का मान जो है वो लेस लेस देन है ई माइनस ई जीरो। अब ये मान जो अपन निकालेंगे डेल बीटा अपॉन डेल ई समीकरण एक जो लिखा है उसके आधार पर समीकरण एक देखो समीकरण एक से डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान निकालिए। डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान निकालिए तो कांस्टेंट है इसका अवकलन करेंगे माइनस वन अपॉन ई माइनस जीरो का और इस पर डेल बीटा अपॉन डेल ई के सभी जब कर्ल करना है एफ कॉन्स्टेंट है इसका माइनस वन अपॉन ई माइनस जीरो स्क्वायर और ई का एक हो गया। अब डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान यहाँ लिखेंगे पहले इसको अपन लिख सकते हैं माइनस एफ अपॉन ई माइनस माइनस बीटा अपॉन ई माइनस ई जीरो एक वाले स्क्वायर है ना एक को ऐसे लिख दिया और एक एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो जगह लिख दिया बीटा ये मान ये लिखेंगे डेल्टा बीटा बराबर माइनस बीटा अपॉन ई माइनस ई जीरो डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान होगा और इनटू डेल क्यू। बीटा को नीचे लिया है बराबर हो गया माइनस डेल क्यू अपॉन ई माइनस ए जीरो। अब परिमाण के रूप में लिखें तो माइनस बढ़ा सकते हैं केवल वैल्यू ले लें परिमाण में माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डेल क्यू अपॉन ई माइनस ए जीरो। अब जो समीकरण एक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज लेस लेस देन क्या है ई माइनस ए जीरो। समीकरण एक से डेल क्यू इज वेरी वेरी लेस देन ई माइनस ई जीरो यानी कि डेल्टा क्यू
upon p minus p zero is very very less than one, एक की तुलना में अत्यंत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा बीटा अपॉन बीटा भी लेस लेस देन क्या हो गया वन, डेल्टा बीटा इज लेस लेस देन बीटा। मतलब क्या निकला कि बीटा प्राचल का मान जो परिवर्तित होगा वो बहुत कम होगा। अगर ऊष्मा लघु मात्रा में ग्रहण की जाती है तो बीटा प्राचल में परिवर्तन भी क्या होता है अत्यंत होता है, और इस ताप में परिवर्तन भी अत्यंत होगा। देखो अब बीटा में निकालिए, अगर बीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन के टी, या टी बराबर होता है वन अपॉन के बीटा, ये इसको ले सकते हैं के बीटा की घात माइनस वन। अब इसका अगर अवकलन करें हमारे इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष कर दो या बीटा के सापेक्ष, टी का डेल्टा टी जब निकालेंगे तो क्या आपका मान आएगा इसका, डेल्टा टी बराबर इसका जब अवकलन करेंगे तो लॉग ले लेते हैं, करें बाद में अवकलन करेंगे, लॉग ऑफ टी बराबर लॉग से घात आगे जाएंगे माइनस वन लॉग ऑफ के बीटा, या लॉग ऑफ टी बराबर माइनस वन लॉग के प्लस लॉग बीटा, अलग अलग कर दिया लॉग की प्रॉपर्टी से। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर लॉग टी का वन अपॉन टी और टी का डेल्टा टी माइनस वन लॉग बीटा का जीरो हो गया, लॉग बीटा का वन अपॉन बीटा, बीटा का डेल्टा टी परिमाण में लें माइनस को हटा दें तो डेल्टा टी अपॉन टी बराबर डेल्टा बीटा अपॉन बीटा। अब चूंकि यहां पर मैंने लिख चुके हैं डेल्टा बीटा इज वेरी वेरी लेस देन बीटा, इसलिए डेल्टा टी इज लेस लेस देन टी, यानी लघु मात्रा में अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो बीटा प्राचाल में परिवर्तन भी अत्यंत होगा और ताप में परिवर्तन भी क्या होगा अत्यंत। ये निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं, अतः यदि निकाय द्वारा ग्रहण की गई या स्थानांतरित कर सकते हैं स्थानांतरित ऊष्मा लघु मात्रा में है तो उसके बीटा प्राचाल एवं ताप में परिवर्तन भी अत्यंत होगा, अत्यंत मतलब वही लघु मात्रा में होगा। अगर बीटा अगर ऊष्मा का मान अल्प मात्रा में है बीटा प्राचाल और ताप में परिवर्तन भी क्या होगा अत्यल्प होगा। तो इससे अपन ये याद कर सकते हैं लघु मात्रा में अगर ऊष्मा होता है तो उस निकाय के बीटा प्राचाल में परिवर्तन भी अल्प होगा और उसके ताप में परिवर्तन भी क्या होगा अल्प होगा। तो इस तरह से अपन ये मान निकाल सकते हैं। अब चूंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है तो अभिगम में अवस्थाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा, उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। और ऊर्जा परिवर्तन को अपन टेलर श्रेणी से निकाल सकते हैं, टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र से लॉ ई प्लस डेल्टा ई। इसका प्रसार अगर करें या ओम ई लिख सकते हैं इसको अपन, ई में ऊर्जा में वृद्धि होगी तो डेल अपॉन डेल ई, पहले तो ई का मान ले सकते हैं फिर ई से डेल्टा ई का मान आ जाएगा। तो लॉग श्रेणी प्रसार सूत्र से अपन इसका निकाल सकते हैं आगे प्रसार करके
किस तरह से ये परिवर्तन आएगा। वैसे काफी है कि हम इतना ही काफी लिखते हैं, यहाँ तक लिख दिया तो ये पर्याप्त है, तो आगे की चीजें हैं जरूरी नहीं लिखें, चाहें तो लिख सकते हैं टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र से। ठीक है, तो आज की क्लास में काफी है, कल आगे डिस्कस करेंगे।